अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। उनके हस्बैंड्स को, उनके फादर्स को, उनके बेटों को कहूंगी कि हाथ पकड़े अपनी माओ का, बहनों का, अपनी बेटी, अपनी बीवी का, अपनी बेटियों का, और उनकी मदद करें। आजकल नवीन मैं सीरियस वो कर रही थी। नहीं, मैंने सोटी पकड़ी है। ये देखो क्या कर रहा है, ये सोटी पकड़ के परेड पीछे कर रहा है। इसका रिकॉर्डिंग हो सकती है भला? बीच में से खराब ना हो जाए कपड़े। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ये किसी का ड्रेस, किसी जो था ना मेन और सबसे मेन सरप्राइज जो मैं आपसे कह रही थी कि आज ही इंशाल्लाह मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, उसकी सबसे बड़ा रीजन ये था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा जैसे कल मैंने कहा था कि सूट दिखाऊंगी आपको, तो ये वो सूट जो सैमी बाय नबीला से मैंने लिया है, और ये सिल्क का है, प्रिंट इसका बहुत प्यारा है, और ये पूरा मैंने कॉट सेट एक बनाया, लॉन्ग लेंथ शर्ट और खुली पैंट्स जो कि मेरा फेवरेट है यही स्टाइल। वैसे मुझे शॉर्ट शर्ट और खुली शलवारें भी पसंद है, लेकिन वो गर्मियों के लिए, सर्दियों में फिर बहुत उसमें ठंड लगती है। तो ये मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाई थी, वैसे और भी चीज़ें मैंने दिखानी थी, लेकिन मेरे पास कोई इतनी खास ज्वेलरी है नहीं जो मैं दिखाऊं। ये मेरी थी सरोस्की की रिंग और एयररिंग्स, ये मैंने आपको एक दफ़ा दिखाए थे, ये मुझे मेरे बच्चों ने मदर्स डे पर दिया था, ज़ैन खदीजा ने उस वक्त, ये बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 2012 में उन्होंने दिया था, और उस वक्त खदीजा भी एक छोटी सी जॉब करती थी जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो जिस बस में स्कूल जाती थी वो बस मॉनिटर थी, तो वो छोटे बच्चों को जो केजी नर्सरी के थे उनको क्लासरूम तक छोड़ती थी, और एवरी फ्राइडे शी यूज़ टू अर्न 40 यूरोस, और वो फिर वो उससे पैसे जमा करके मुझे और जैन को, जैन उस वक्त लम्स में था, तो वो उसने पैसे जमा करके और दोनों ने मिलकर मेरे लिए मदर्स डे का गिफ्ट लिया था। तो मैंने कहा आज ये पहनती हूँ, ये वैसे यूजली मैंने गर्मियों में ज़्यादा पहन रही होती हूँ उन चीज़ों के साथ जो प्लेन सूट वगैरह होते हैं, लेकिन ये अभी भी पहना है मैंने, और ये मेरा ड्रेस है। और बाकी क्या आज वीडियो में ये होने वाला है कि जो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ऑयल बनाना था वो ऑयल बना रही हूँ, बॉटल्स लेकर आए हैं $1 shop से, वो भी आपको दिखाऊंगी, और उसके अलावा हम लोगों ने चाइना मार्केट जाना है, जो कि वीडियो आज इंशाल्लाह आज कंप्लीट होगी और फिर कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे चाइना मार्केट में क्या नया आया हुआ है, क्या कुछ है, ज़रा लंबा व्लॉग होने वाला है वो, लेकिन मेरा दिल है कि डिटेल्स ज़रा एक दो शॉप्स देखी जाए वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वही किचन के काम शाम चल रहे हैं, और मैं ना मेरी खिड़की खोल दो। अच्छा, जो अचार मैं लाई थी ना अपनी मामी की तरफ से, उसका मसाला तो है, अचार ख़त्म हो गया था, और ये वाला बिल्कुल ठीक है, इन दो जार्स में ना मैं ये डाल रही हूँ, कुछ लेट ही हो गया डालते डालते, लेकिन हरी मिर्चें और लीमू इसमें डाल दूँगी मैं, और वो थोड़े दिन में, दो एक हफ्ते लगता आइए शाम, ये देखो दो दिन के बाद आइए, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आई नहीं है कल ये बिल्कुल भी, तो ये मैं डाल दूँगी अचार, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने ऑयल बना लिया था, अपनी फ्रेंड को दिया है, और एक मैंने रखा है, एक और मेरी फ्रेंड है उसके लिए। कल क्यों नहीं आई थी शाह? अच्छा खैर, ये शाह आज आ रही है दो दिन के बाद, तो ये अचार हो गया शाह, ये रमजान के लिए अचार डाल रहा है, वो जो आंटी वाला मसाला था ना उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और डाल दी हैं, और दूसरे वाले में मैं नींबू डाल दूंगी, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। मिर्चों के अंदर मैं नहीं डाली नमक और लाल मिर्च जो भरते हैं ना वो मैं नहीं भरे, उसकी खास वजह ये है कि मसाले काफ़ी तेज़ है, और जब इसको रोज़ मिक्स करते रहेंगे ना तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा, ये बात है इसमें। तो आज कुछ आ रहे हैं कपड़े और क्या और ये अभी मैं अपलोड करूँगी वीडियो आज ही, और फिर बताऊँगी कि क्या रीज़न है कि इसको आज ही अपलोड करना बहुत ज़रूरी है।
चलो अब इसको हिलाओ अच्छे तरीके से। ये जो मैंने दही भले बनाए थे वो अब फ्रीज होने लगे हैं। अच्छा उसमें ना नवीद से मैंने अलग करवाए थे, वो आबिद ने रात को रखे हैं तो मिक्स हो गए। ये फ्लैट कुछ सारे ना दही भले एक जैसे नहीं बनते, कुछ जरा फूलते हैं ज़्यादा, कुछ थोड़े नहीं होते हैं, वो होते हैं आपको लगता है कितने ठीक नहीं है, तो वो मैं पहले अलग करवा लेती हूँ। जब मैं अपने घर वालों के लिए बनाती हूँ ना तो मैं वो वाले जो हल्के से मुझे लगे क्रैक है ये वो, तो वो मैं घर के लिए बना लेती हूँ। और जब कोई मेहमान आए या मैंने कहीं भेजने हो तो अब मैं दूसरे वाले रख लेती हूँ। तो ये दो तरह से अब इनको नीचे निकाल के बॉक्स में कर दो। वैसे मैं या तो बॉक्स में रखूँ, नवीन किस तरह रखना है आपने, बॉक्स में रखें या लफाफे में डाल के? नवीन लफाफे में रख रहा है। अच्छा जिप लॉक में रख रहा है फिर नवीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज वाली वीडियो में ना बहुत सारे ड्रेसेस आने वाले हैं, ड्रेसेस ही ड्रेसेस हैं, ईद के लिए और गर्मियों के लिए आइडियाज़ हैं। सबसे पहले तो ये जो सूट मेरा सिलकर आया था अलरिया का ब्लॉक प्रिंट, ये मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ दुपट्टा है। अच्छा सबसे पहली बात है कि इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। जो लोग सब मुझसे मटेरियल का पूछे तो मैं बार बार बता रही हूँ कि मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। मैंने एक और भी वेबसाइट से करवाया था लेकिन फिर मुझे रिटर्न करना पड़ा क्योंकि वो प्रिंट अच्छा था, ब्लॉक प्रिंट भी अच्छा हुआ था लेकिन उसका स्टफ अच्छा नहीं था। तो मैंने तो स्ट्रेट शर्ट बनाई है और स्ट्रेट शलवार है साथ इसके, फुल लेंथ शर्ट बनाई है। स्लीव्स इसके मैंने खुले इसलिए बनवाए क्योंकि गर्मियाँ हैं तो वही होना चाहिए। तो ये ड्रेस उन सब लोगों के लिए है जो कि अभी गर्मियों के कपड़े ऑर्डर करने लगे हैं और वो चाह रहे हैं रमज़ान में आराम से घर में बैठे हैं और उनके पास कपड़े सिले हुए स्टिच्ड पड़े हों। ये ड्रेस उनके लिए है कि वो आज ही अपना ऑर्डर कर दें। बाय द वे हिना के पास अलरिया साइड पे सिल्क के भी बहुत अच्छे, ये सारा ब्लॉक प्रिंट सिल्क पे भी हो रहा है जो मैंने भी एक ऑर्डर किया हुआ है और वो मेरा बन के बस एक दो दिन में आ जाएगा, वो भी मैं पहन के दिखाऊँगी आपको। तो ये है अलरिया का ड्रेस। अच्छा मेरा TCS भी आना था, मुझे लग रहा है वो भी ड्रेसेस ही आ रहे हैं बाहर बाजी के लाहौर से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी आ गए हैं आपके नाम पे जी? मेरे नाम पे, चलिए ठीक। आईडी कार्ड नंबर चाहिए बेटा? नहीं बस ठीक है। अच्छा ये भी ड्रेसेस आ गए, ये भी अभी मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि ये कौन से है। बच्चे एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा जी बहुत मैंने पैकेट खोला है, बहुत ही अच्छे और बहुत बहुत प्यारे कपड़े आए हैं। मैं आपको बताती हूँ इसकी वेबसाइट और सब कुछ, अल्लाह करे कि आप लोगों को इनके जो भी कोई बच्चियाँ बिजनेस अपना स्टार्ट करती हैं काम करती हैं, मेरा हर एक के लिए दुआ है कि सबका काम बहुत अच्छा चले। और स्पेशली मैं जिनका भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना वो मेरे टेस्ट के कपड़े होते हैं और मैं अपने चूज़ करके करती हूँ। बहुत सारे और भी आते हैं मुझे मैसेजेस वगैरह लेकिन मैं हर एक का इसलिए नहीं ले रही होती क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, वो किसी और को जिसको मुझे लगे कि अच्छा लगेगा उनको लेना चाहिए, उन तक जाना चाहिए। अच्छा कपड़े बहुत प्यारे हैं। ये साइट है मिशेल्स और फॉर्मल, सारे ही कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अब मैं ये अभी तो आए हैं, अब इनको मैं हैंग करेगी साथ ताकि मुझे नज़र आए और फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये देखिए ये वाली है ना वो तो मैं आपसे शेयर करती होती हूँ, ये न्यूज़ के ये बहुत प्यारे लगते हैं स्टोन्स हैं ये भी लगे हुए हैं, ये सारे कपड़े हैं। अब मैं इनको आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी।
अब चलते हैं। शादी तो मुझे ज़रा लटका दो, मैं ट्राई करती हूँ, दो आज करके दिखाऊंगी आपको, फिर मैं दो दो करके ये हर वीडियो में दिखाती रहूँगी। तो आज की तो बहुत ही मैंने इंजॉय किया, इतने सारे कपड़े रिसीव हुए हैं, और ये जो रेड बॉक्स है ना TCS का, ये बहुत एक बॉक्स फुल ऑफ हैप्पीनेस होता है, बड़ी खुशी मिलती है इसको देख के। साथ साथ मेरी लूडो चल रही है, तो अब मैं आपको ये हैंग करके पहले दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको जैसे अपने तरीके से स्टाइल करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। खुशी का मौका होता है जब आपके सारे ड्रेसेस आए होते हैं और फिर वो बारी बारी वो निकाल के अभी शादी को सेट करिए। ड्रेसेस तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, अभी मैं आपको फुल इनकी खोल के लुक भी दिखाऊँगी, और बिल्कुल डिफरेंट है जिस तरह से अभी जो मुझे रिसीव हो रहे थे ना उनमें से सारे कपड़े बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो वही बात है कि क्लासिक्स में से हैं, बहुत अच्छे स्टाइल हुए हैं और सारे बारी बारी खुलते चले जा रहे हैं। मैंने कहा आपको एक दफ़ा ऐसे भी उनकी लुक्स दिखा दूँ, ये कश्मीरी वाला जो ये वाला टांका है ना, ये आजकल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये है वो, कहा है दूसरे वाला जो खाली बोल, अच्छा अच्छा शादी नीचे से उठा लो लिफाफा जो गिरा, वो दिखाओ जो अनस्टिच टेक पड़ा हुआ है, वो दिखाना मुझे ये शादी, वो दिखाओ जो अनस्टिच पड़ा हुआ है। साथ साथ मेरी लूडो, अच्छा ये दिखाओ मुझे, ये दिखाना मुझे करीब, प्यारा है ये, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा उसके साथ दुपट्टा था, अच्छा ये पैंट्स के साथ है ना कि शमीज़ है इसके साथ खाली, अच्छा डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है शायद है ना इन सब की। बारी भी कर लूँ, ऐसा ना हो कि बारी ना करूँ। अच्छा जी, अब मैं इसके बाद ना मैं एक अपना वुमेंस डे का जो मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा वो मैं अपनी तरफ से शेयर करूँगी। अभी शायद ब्लैक है, हाँ बहुत अच्छा ये भी, अच्छा ठहरो ठहरो इधर से दिखाओ कैमरा, अच्छा बिल्कुल बहुत प्यारा है। लाइनिंग है इसकी, ओह गले पर से पकड़ो ना, इसको रख लो, इसको आराम से खोल लो ऐसे तसल्ली से, बस बहुत खूबसूरत है ये भी। चलो हैंग कर लो फिर दिखाती हूँ। आज का भी जो ज़रूरी मैं कह रही थी ना, आज ये वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि उज़्मास किचन की बास्केट आ रही है रमज़ान के लिए, और वो पता क्या, ये जो रमज़ान है ना ये एक ऐसा महीना है जो मिल बांट के बहुत कुछ, आप अपनी हर चीज़ ज़कात भी इसमें आप निकालते हैं, रिज़्क भी जो चीज़ भी है आपके पास है मिल बांट के, खुशियाँ भी बांटने का महीना है। तो बजाय इसके कि आप घर में इतना ज़्यादा करें, अगर आप छोटा मोटा ये चीज़ें अगर आप अपनी किसी से ऑर्डर कर लेते हैं ना जिस तरह उज़्मास किचन है, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़रा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इबादत का भी, और ये इतना कोई प्रॉफिट नहीं और इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप घर पे भी ये चीज़ें बनाएंगे या अगर आप किसी से ऑर्डर करेंगे, पैसों का इतना डिफरेंस नहीं आएगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि किसी और की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी आसानी हो जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और फिर घर जैसा, वैसे तो हम लोग कभी ना कभी रमज़ान में बाहर से समोसे जलेबी वगैरह ले ही आते हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप घर की बनी हुई चीज़ ले लें। तो ये मैं बास्केट अभी आपके साथ शेयर करने लगी, और ये ड्रेस बहुत प्यारा मेरा आया है, ये मैं अब सिलवाऊँगी, और ये कैसे सिलवाना है या क्या करना है वो अभी मैं डिसाइड करके, तो फिर जब बाज़ार जाएँगे ये भी सिलने को दूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, देखेंगी क्या क्या ड्रेसेस और क्या चीज़ें नई आएंगी हैं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और ये बाकी ना मैं कल डिटेल से ड्रेसेस ये मैं आपको कल दिखाऊंगी जो आए हैं, सारे के सारे ही बहुत अच्छे और प्यारे हैं। ये लूज फिट में है, जो बच्चियाँ
थोड़ा सा लूज पहनना चाह रही हैं आजकल, वो भी ले सकती हैं। और बाकी मैं आपको डिटेल में कल दिखाऊंगी सारे ड्रेसेस। आज नवीन मैं सीरियस वो कर रही थी, ये देखो क्या कर रहा है, ये सोटी पकड़ के परेड पीछे कर रहा है, इसका रिकॉर्डिंग हो सकती है भला? वो देखो क्या कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा और कुर्ता भी बहुत अच्छा लगा और ये भी बहुत अच्छा है, ये वाला भी। ये कल दिखाऊंगी डिटेल से कैसे। दरवाजा बंद कर, अच्छा जी, ये किसी का ड्रेस, किसी डिज़ाइनर का ड्रेस भी, ये मेरा अपना ड्रेस है और मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं भागती भी आ रही थी अंदर से क्योंकि अपनी शॉल भूल गई थी मैं। ये मेरा ब्लैक, वही जो मैं दिखा, ये मैंने वैसे दिखाया तो है, ब्लैक मेरा प्लेन लेलन का ड्रेस है और ये मैंने इसके ऊपर कुंदन के बटन लगाए हैं। और ये वो जो मैं आपसे कहती हूँ ना, ज़रूरी होता है कि गर्मियों में और सर्दियों में एक ब्लैक और एक वाइट बना लें, तो ये ब्लैक था जो इस साल मेरा सर्दियों का था। साथ ही आज मैं इसके शॉकिंग पिंक शलवार बन शॉल ले रही हूँ। और मैंने एक पैगाम देना, एक मैसेज है मेरा वुमेंस डे के लिए, वो मैं कार में बैठ के रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मैं अपनी नीस से मिलने के लिए जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। शहर है और जहाँ भी आप रहते हैं उसको साफ सुथरा रखें, तो जो नेचर है वो तो खूबसूरत ही है, जो अल्लाह ने ज़मीन बनाई है वो तो बेशक खूबसूरत ही है। कोसार और E7 जो है मेरा सेकंड होम है दोनों। अगर मैं, पता है सबको कि अगर मैं कहीं ना मिलूं तो मैं या कोसार में होती हूँ, E7 में, अगर घर पे ना हूँ तो कोसार जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस और दिनीस के साथ, फिर इंशाल्लाह जाके थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर। सबसे बड़ा रीज़न जो मैं कह रही थी कि आज ही वीडियो में अपलोड करूँगी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है और ये है उज़्मास किचन की तरफ से रमज़ान बास्केट, जो मैं आप सब लोगों को कह रही थी कि मैंने अपनी ऑर्डर की है और आप लोग भी सब करें, क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी जब बनाते हैं आप, बहुत सारे और काम होते हैं, इबादत भी होती है, पढ़ भी रहे होते हैं हम लोग, सब कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ये बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं इस बास्केट में जो कि घर की चीज़ों की तरह ही हैं और घर वाला टेस्ट है और आप आराम से अपनी, जब आप चाहें इसको निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। पता क्या, इसमें जो मैं आपको पहले भी मैंने बात की है ना, वो ये है कि इस जो आप जो घर होम बिजनेसेस जिन लड़कियों के हैं, जैसे उज़्मास किचन जो मेरे पास मौजूद है, मुझे पता है बहुत अच्छा सब कुछ होता है, उसका ये फ़ायदा है कि आप घर में बनाएं या ऑर्डर करें तो आपको प्राइस का इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पड़ेगा और आपको हैसल भी नहीं होगी, यानी आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी और आपको घर का टेस्ट एक प्रोफेशनल तरीके से मिलेगा। तो आपने ये रमज़ान में ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो जो की चीज़ें हैं ये सारा। चलिए जी, ये हैं समोसे, spaghetti vegetable rolls, pasta vegetable samosas, ये मैं साथ साथ फ्राई करूँगी और आपको दिखाती भी जाया करूँगी, फिर है cheese samosa, chicken shami kebab, chicken kofta, आलू समोसा जो कि बहुत मज़े की सारी चीज़ें लगती हैं, और चीज़ वेजिटेबल रोल्स। जी ये है हमारी रमज़ान बास्केट उज़्मास किचन की तरफ से जो मैंने ऑर्डर की थी, और आप लोग सब ऑर्डर कर लें क्योंकि ये आपको घर वाला टेस्ट और प्राइसेस इनकी बहुत अच्छी हैं
और ये है कि आपको थोड़े से आराम हो जाएगा, सहूलत हो जाएगा, वरना ये सब कुछ सामान जब आप घर में बनाएंगी नवीद कितना फलावा भी हो जाता है संभालना रखना सब कुछ करना, तो उससे बेहतर ये है कि आप आराम से ऑर्डर करें और आप कोई अचानक अफ्तारी पे आ भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि ओह मैंने जल्द अब ये बनाना है वो बनाना है सब कुछ। तो मेरी तो तैयारी इन चीज़ों के साथ कंप्लीट हो गई है, आप भी अपनी ऑर्डर कर दें। मैं आपको नीचे उस्मास किचन का नंबर दे रही हूँ, लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप अपना बास्केट आज ही ऑर्डर करें, आज कर लें क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमें। अच्छा जी, अब हम लोग जो मैंने कपड़े आए हैं मेरे मिशेल की तरफ से, उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं कपड़े सब आपको कल दिखाऊंगी और उसके बारे में बात करेंगे। बस बरकत होने वाली है रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों की, अल्लाह ताला आप सबके भी घर में दस्तरखान पे बरकत डाले। और नवीद अब तुम जाओ के और चाय बना के लाओ क्योंकि तुम्हारे उधर मैं कोई सीरियस बात नहीं कर सकूँगी वीडियो पर। मैंने मैसेज अपना एक देना था आप लोगों को वुमन से के मौके चेयर के बैठे। अच्छा, मैं जो भी बात कहती हूँ ना मुझे होता है कि मैं बहुत दिल से करूँ और इस तरह से बात हो कि मतलब मेरे दिल से वो बात निकलेगी तो आप तक पहुँचेगी। सबसे पहले तो जो हमारी ज़िंदगियों में जो भी ख़वातीन हैं हमारी, सबसे पहले तो माँ, मेरी जो अम्मी थी ना, मेरी अम्मी बहुत सिंपल और सादी थी, मैं उनका बहुत जिक्र करती हूँ अपनी वीडियोस में। हम पांच बहनें थी, जो सुबह हमारे घर में होती थी ना वो आज तक मुझे याद है। हम पांच बहनों ने स्कूल जाना होता था, मेरे फादर ने ऑफिस जाना होता था और हमने कभी अपनी स्कूल या कॉलेज कैंटीन से अपनी मर्जी से कोक वगैरह ले लेते थे, अदरवाइज़ हमें स्कूल कॉलेज में जाकर भी हम लोगों को स्कूल घर से लंच ही हम लेके जाते थे, जो कि शामी कबाब का सैंडविच होता था कभी किसी चीज़ का कभी किसी, लेकिन घर मोस्टली हमारा सैंडविच होता था शामी कबाब का। और जब हमें बहुत दिल चाहता था बहुत फैंसी हो जाते थे तब हमें उसी शामी कबाब को अम्मी बन में लगाती थी, साथ लेटस और टोमेटोज रख के, तो हमें लगता था बर्गर खा रहे हैं। और वो बर्गर जो होता था ना केचप उस पर लगी होती थी और पुदीने की चटनी, तो आप यकीन करें कि मैकडोनल्ड्स वगैरह से ज़्यादा मज़े का लगता था। तो मेरी अम्मी जो कि मुझे लगता है कि एक सादी खातून होने के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिन्होंने हम पांचों बहनों को इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में सर उठा के जी रहे हैं। और उसके बाद मेरी बहनें, मेरी बेटी, मेरी दोनों बेटियां मरियम और खदीजा दोनों, और वो सारी ख़वातीन जो आपके इर्द गिर्द हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है आप लोगों के लिए, उन सब के नाम है सलाम मैं पेश करती हूँ, जो कि रोज़ाना जो हमारी चाहे तबीयत ख़राब हो सही हो जो कुछ भी हो अपने ड्यूटीज़ और अपने कामों को सर अंजाम दे रही हैं, क्योंकि दुनिया मर्दों के लिए और है और ख़वातीन के लिए और है। मोर पावर टू ऑल द वुमेन जो कि कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं, मेरी तरह की हाउस वाइफ्स, उज़्मास किचन की तरह की, और भी बहुत सारी जो कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं, जो कुकिंग कर रही हैं, बेकिंग कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर महाज पे जो लड़ रही हैं रोज़ाना दुनिया से अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए, सलूट, आई सलूट टू ऑल ऑफ देम और मोर पावर टू देम। और जो लोग अभी उनको लग रहा है ना कि वो कुछ नहीं कर रही और वो कुछ कर सकती हैं, तो उनमें सलाहियत है, तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो ख़ुद भी हिम्मत करें और आगे बढ़ें। जब आप ऐसे करते हैं बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ख़ुद मदद करता है। और मैं उनके हस्बैंड्स को, उनके फादर्स को, उनके बेटों को कहूँगी कि हाथ पकड़ें अपनी माओं का, बहनों का, अपनी बीवी का, अपनी बेटियों का, और उनकी मदद करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और जब हम लोग मिल जाते हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल देते हैं तो आपका हर फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ कर सकता है इस दुनिया में। तो आप नहीं चाहते कि आपके घर में जो आपकी ख़वातीन है वो कुछ ऐसा कर सकें जिससे वो ख़ुद से अपने आप से प्राउड फील करें और अपने आप को वो एक यूज़फुल सिटीज़न या यूज़फुल मेंबर ऑफ द हाउस प्रूव कर सकें। वो नज़र
के सामने है, जिसे हमने दी सदाए, जो करार बन के आया, उसे क्यों ना